हाय फ्रेंड्स, नमस्ते. राम राम सा. मीनल्स किचन में आपका स्वागत है. सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगी, बिकॉज मुझे इस बार वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया और ये टेक्निकल इश्यूज की वजह से हुआ. सो आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम. और आज हम कुछ रेसिपी तो नहीं बना रहे, बट कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको जरूर बताऊंगी हमारे किचन के. सो वो बहुत ही हमारे लिए मददगार साबित होते ही है. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा. तो इसको इसमें क्या क्या हमने चीज़ें यूज़ की है, हम क्या क्या चीज़ें किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत ही कुछ कुछ इजी नुस्खे वो मैं आपको बताऊंगी. तो हमारा सबसे पहला जो टिप है वो आप आटे को ले लीजिए. तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, आटा बांधते हैं तो बहुत ही सख्त हो जाता है या रोटियां सॉफ्ट नहीं बनती हैं. तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी. नमक तो हम लोग डालते ही है, साथ ही मैं ये 1 चम्मच जितनी मलाई डाल रही हूँ, जो दूध की मलाई होती है. यस, आप उसको यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो दूध भी यूज कर सकते हो उसमें थोड़ा. और इसको एकदम अच्छे से गूंथ लीजिए. आटे को गूंथने के बाद आप इसको ढक के रख लीजिए 5 से 7 मिनट तक. इससे ग्लूटेन बनता है इसमें, जिससे कि आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और जो रोटी बनेगी इससे वो भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी. सो ये हमारा टिप नंबर 1 था, आई होप आपको पसंद आएगा. अब दूसरे टिप की तरफ जाते हैं. फ्रेंड्स, दलिया हम लोग ला तो देते हैं, बट अगर जनरली यूज नहीं होता है जल्दी ही, तो ये जल्दी खराब भी हो जाता है. तो इसके लिए हम इसको स्टोर करने के लिए एकदम अच्छे से इसको थोड़ा सा भून लेंगे. तो ये मैंने एक पैन में डाल दिया है इसको, और इसको मीडियम से थोड़ा सा कम आंच पर इसको भूनेंगे एकदम अच्छे से, जब तक कि ये थोड़ा सा वाइटिश नहीं हो जाता है. ये देखिए, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और ये हल्का सा गर्म होना चाहिए. इसको एकदम ज्यादा भी नहीं पकाना है, हल्का सा गर्म होना चाहिए. तो ये देखिए, अब मैं इसको एकदम अच्छे से ठंडा कर रही हूँ. और ठंडा करने के बाद आप इसको किसी बर्तन में, कोई भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको पैक करके रख सकते हो. तो फ्रेंड्स, अब हम टिप नंबर 3 की तरफ आते हैं. हमारे घर में जनरली ग्राउंड नट्स तो मिलते ही है, पीनट्स हम लोग रखते ही हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं. बच्चों को भी खिलाना चाहिए, हमें भी खाना चाहिए. तो इसको हम लोग स्टोर कैसे करके रखेंगे? जनरली क्या होता है कि सर्दी के मौसम में या बारिश के मौसम में ये थोड़ी सी इसमें सीलन आ जाती है, या फिर आप बोल सकते हो तो उसमें कीड़े लग जाते हैं. इसके लिए पहले मैंने इसको रोस्ट किया है, यहाँ पर ड्राई रोस्ट करना है और मीडियम से थोड़ा स्लो आंच पे रखना है, ताकि ये एकदम अच्छे से इक्वली रोस्ट हो सके. और आप चाहो तो इसको नमक में भी रोस्ट कर सकते हो. और इसको गर्म इतना ही करना है कि थोड़ा सा आपके हाथों को लगे कि हाँ ये गर्म हो चुका है. सो अभी हम लोग गैस बंद कर देंगे. और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसको गरम गरम कंटेनर में नहीं डालना है. इसको आप एकदम अच्छे से ठंडा कीजिए, रूम टेम्परेचर पे ठंडा कीजिए. ये कभी खराब नहीं होगी, महीनों तक ये चलने वाली है और बहुत ही टेस्टी भी लगेगी. अगर आप इसको खाओगे तो उसका लिटिल भी टेस्ट डिफरेंट हो जाता है और वो बहुत ही अच्छा लगता है. और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको धूप में भी रख सकते हो. 2-3 दिन तक इसको कंटिन्यू धूप दीजिए, इससे भी ये खराब नहीं होगी. या फिर तेज पत्ता इसमें डालिए, बे लीफ होती है वो इसमें डालिए कंटेनर में, तो खराब नहीं होगी. तो ये देखिए, हमारे जो मूंगफली के दाने हैं वो तो एकदम ठंडे हो चुके हैं और ये तैयार है अब इसको स्टोर करने के लिए. सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. ओके, तो अभी हम लोग आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ. हम लोग जनरली ग्रीन सब्जियां लाते हैं, तो यहाँ पर मैंने मेथी लाई है. मेथी मुझे बहुत पसंद है वैसे, बट इसको अभी ये है कि मुझे 2-3 बार में यूज करना. मैं एक बार में इसको यूज नहीं करना चाहती हूँ, मैं सब में थोड़ी थोड़ी यूज करूंगी. इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको स्टोर करके रखेंगे, और इसको आप कभी भी धो के स्टोर मत कीजिएगा, खराब होने के चांसेस होते हैं. और देखो, इसको साफ करने का तरीका भी है कि इसकी सिर्फ पत्तियां पत्तियां आप लीजिए अलग से, और डंठल के साथ इसको मत कीजिए. ओके, तो ओनली मैंने इसकी पत्तियां सिर्फ अलग ली और सारी फ्रेश पत्तियां हैं. आप देख सकते हो किस तरह से साफ किया है मैंने इसको. तो आप इसी तरह से सारे इसके डंठल अलग कीजिए और साफ कीजिए, और एक कंटेनर में इसको ऐसे ही ड्राई रखना है, धोना नहीं है. और आप इसको फ्रीज में एकदम एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज में रखिए, और वो आप 10 दिन तक रख सकते हो आराम से. इसको कुछ भी नहीं होने वाला है. मैंने इसमें रखा है 10 दिन के लिए, उसके बाद मैं आपको फिर से बताऊंगी. देखो, मैं इसको फ्रीज में रखने जा रही हूँ, और ये 10 दिन बाद हमने अपना फ्रिज फिर से खोल के इसको बाहर निकाला है. और ये देखिए, इसकी जो पत्तियां हैं एकदम ड्राई है. यू कैन सी दैट इसमें पानी पानी नहीं हुआ है, बट आपको यूज करने से पहले इसको धोना जरूर है. इस चीज का ध्यान रखिएगा.
नाउ कम टू द टिप नंबर 5। अच्छा, ये सूजी है जो कि हम बहुत सारे इससे ब्रेकफास्ट बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं, बहुत ही यूजफुल और मेरी तो फेवरेट है। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था इसको खाना, बट अभी बहुत अच्छा लगता है। सो इसको भी मैं बल्क में ला देती हूँ, और इसको स्टोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बिकॉज उसमें कीड़े लग जाते हैं। आप देखोगे तो उसमें एकदम चिपक जाता है रवा और बहुत ही गंदा हो जाता है। सो ये कीड़े लग जाते हैं। इसके लिए हम इसको रोस्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको रोस्ट कीजिए और ठंडा करके फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल दीजिए। और रोस्ट करने का ऐसा नहीं है कि वो एकदम ब्राउन होने तक रोस्ट करना है, इट्स नॉट कंपल्सरी। आप इसको सिर्फ आप अपने हाथ उसमें डाल के देखना कि हाँ ये गर्म हो चुका है, इतना गर्म कि थोड़ा सा हम लोग इसमें हाथ अच्छे से नहीं डाल सके, इतना गर्म होना चाहिए, और थोड़ा सा जले हाथ, इतना गर्म होना चाहिए। और फिर इसको आप एकदम अच्छे से ठंडे कर लीजिए बड़े बर्तन में, और उसके बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल सकते हैं। बट ठंडा इसको एकदम अच्छे से करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, रूम टेम्परेचर पे करना है, तो आपका ये रवा कभी खराब नहीं होगा। कई महीनों तक आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हो। ये सबसे इजी ट्रिक है और आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, यू विल गेट दैट बेनिफिट्स कि ये खराब नहीं होगा। सो मेरा तो स्टोर हो गया अभी। अच्छा, अब हम टिप नंबर 6 की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये मेरे फेवरेट है ऑनियंस, पता है स्प्रिंग ऑनियंस इतने अच्छे लगते हैं सब्जियों में वगैरह डालते हैं, बट वही चीज़ आ जाती है कि इसको अगर मैं ऐसे ही रख दूँ तो इसकी जो पत्तियाँ हैं वो मुरझा जाती है। तो अब मैंने इसको एकदम साफ कर लिया, नीचे से जो मुरझाई हुई पत्तियाँ वो निकाल दी है, ऊपर से भी उसका जो ऊपर का कचरा है वो निकाल दिया है, और अब मैं इसको काट रही हूँ। काट के इसको हम अगेन द सेम थिंग एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल देंगे। हाँ, काट के आप ऐसा मत सोचिए कि यार वो कैसा खराब नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आराम से आप 10-15 दिन उसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हो। आप इसको थोड़ा थोड़ा यूज कीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला इसको। सो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, यू ऑल्सो जस्ट ट्राई इट। नाउ टिप नंबर 7। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, टमाटर जनरली ऐसे ही काट लेते हैं, सब्जी में भी काटना होता है तो ऐसे ही काट लेते हैं, बट पता है ये मेरे पापा और मम्मी ने मुझे ये ट्रिक बताई थी बिकॉज दोनों ही किचन में हेल्प करते हैं हमेशा। इन्होंने कहा कि ये गर्म करो और उसके ऊपर का छिलका निकाल दो। यार ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और उसके बाद सीरियसली जो छिलके आते हैं हमारे मुंह में टमाटर के वो नहीं आते, और टमाटर सबको पसंद भी है, और वो छिलकों की वजह से यू नो मुंह में आते तो थोड़ा सा माइंड ऐसे हो जाता है यार क्या छिलका कहाँ से आ गया। सबसे बेस्ट तरीका है इसको आप चाकू डाल के उसको गर्म कीजिए एकदम अच्छे से, आप देखोगे कि इसका जो छिलका है ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि एक एक टमाटर के लिए इसको बॉईल तो नहीं कर सकते ना हम लोग छिलका हटाने के लिए। ये देखिए इसका छिलका एकदम आसानी से निकल गया है, और अब आप इसको काट के आराम से किसी भी सब्जी में डाल सकते हो, दाल फ्राई करते हो तब डाल सकते हो। ये ट्रिक मेरी फेवरेट ट्रिक है यू नो, और मैं इसको बहुत इंजॉय करती हूँ, जब भी इसको ऐसे गर्म करके डालती हूँ ना बहुत मजा आता है, और मेरा बेटा साथ में और इंजॉय करता है बिकॉज दैट साउंड कम्स तो उसको इंजॉय बहुत मजा आती है इसमें। सो आई होप यू विल लाइक दिस, मेरे सारे ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे, एंड यू जस्ट फॉलो दिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।